जय श्री महाकाल। हरिहर। हर मानव में प्रार्थना है, हर मानव में घृणा क्रोध है। प्रार्थना करता है तो वही चीज़ उसके लिए अमृत बन जाता है आंतरिक रूप से, और वही चीज़ जब क्रोध और घृणा करता है तो वही उसके लिए जहर बन जाता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो अन्न जैसे रहा वैसा मन हो जाएगा, मतलब अन्न को आपने कैसे ग्रहण करा ये मैटर है, और फिर वही मन आपके सेल्स आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट लाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया का, जॉइंट प्रॉब्लम हो, स्पाइन प्रॉब्लम हो, मसल्स प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो, स्केलेटल सिस्टम प्रॉब्लम हो, एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो, सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो, एस्क्रेशन प्रॉब्लम हो, डाइजेशन प्रॉब्लम हो, ब्रेथिंग प्रॉब्लम हो, वॉट एवर एनी सिस्टम इन द बॉडी, वो प्रॉब्लम तभी होती है कि हमने चीज़ को कैसे ग्रहण करा, है ना? आपने कैसे ग्रहण करा अन्न को, ये मैटर करता है। तो इसलिए प्रार्थना करना है, है ना? भोजन जब भी हमको थाली में प्राप्त होता है तो भोजन को प्रार्थना करनी होती है, ठीक है? प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना ये करेंगे कि सभी ब्रह्मांडी षष्ठी ऊर्जाओं को नमन करेंगे और धन्यवाद देंगे कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए बहुत बहुत नमन और धन्यवाद, और जिसने बनाया उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो बनाता है, माता जी बनाती हैं, बहन बनाती है, पत्नी बनाती है, या भाई बनाती है, कोई भी बनाता है, तो उनको धन्यवाद जरूर करना है। भगा कृतज्ञता के कार्यक्रम बनता नहीं है, ठीक है? और एप्रिसिएशन जरूर करना है। एप्रिसिएशन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, है ना? और कभी बुरा बोलना नहीं है, ठीक है? जो प्राप्त हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना है, है ना? उसमें नुस्खे नहीं निकालने, है ना? उसमें टॉन्ट नहीं मारना कि ये क्या बना दिए, ये क्या कर दिए, वो क्या कर दिए, ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा क्यों, ये नहीं है ना? तो वो ऐसे करोगे, आप घृणा करोगे तो वो जहर बन जाएगा, ठीक है ना? अरे ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया, ऐसे क्यों बना दिया, ऐसे नहीं बनाना था, है ना? मुझे ऐसी चीज, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना? छोटी छोटी चीज़ों में नहीं करना है, इसमें पूरा बचपना बैठा पड़ा है, क्रोध घृणा में बचपना है, ठीक है? मैच्योरिटी प्रार्थना में है, कृपा में, अनुकंपा में, अर्चना में। तो प्रार्थना करें और अपने भोजन को प्रसादम बनाएं। प्रसाद बनाना होता है, ऐसा नहीं किसी ने दे समोसा दिया या लड्डू दिए खाली पटाख नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको थोड़ा सा प्रार्थना करिए, ब्रह्मांड षष्ठी ऊर्जाओं को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे, फिर ग्रहण करें, है ना? चाय भी ग्रहण करें तो ऐसे करें, पानी भी ग्रहण करें तो ऐसे करें, क्योंकि ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेट मैकेनिज्म, बेटर देन द सुपर कंप्यूटर, ये मैकेनिज्म है, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है ये, मशीनरी है दुनिया की सबसे महंगी मशीनरी। तो इसमें जो चीज़ डालते हैं ना, तो प्रार्थना से डालें तो वो बढ़िया कार्यक्रम चलता है, ठीक है? यदि क्रोध में हो, घृणा में हो तो मत खाओ, पहले ठंडे हो जाओ, ठीक है? अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करें, बैलेंस करें, स्थिर करें, ठीक है ना? एकदम गति में मत चलो। मन यदि गति में चल रहा है तो निपटे, ठीक है ना? मन को शांत करना होता है, स्थिर करना होता है। मन स्थिर हुआ, बुद्धि स्थिर हुई, शरीर स्थिर होके करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चलते चलते खा रहे हैं,
ठीक है, बैठे बैठे कहीं एकदम चलते चलते खा रहे हैं, बफर सिस्टम है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हम सोफिस्टिकेटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है स्टैंडर्ड है, खड़े होके खाएंगे, है ना, अपने आप को स्टेटस पे दिखाना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना, बैठ के खाओ, शांति से खाओ, एकाग्र हो के खाओ, ठीक है ना, ऐसे नहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं और खा रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा, आदत तो गाली कर रहे हो आप, आगे उसको गुस्सा कर रहे हो उस फ़ोन पे और खा रहे हो तो क्या खाना लगेगा, तो वैल्यू नहीं दे रहे हो, जब तक वैल्यू नहीं करी तब तक कोई प्रार्थना नहीं, और जब तक कोई प्रार्थना नहीं तो प्रसादम नहीं होगा और अमृत नहीं बनेगा, और फिर यदि आपका ध्यान फोन पे है, बात पे है, समस्या पे है, समस्या पे इसलिए डिस्कशन ना करें भोजन करते समय, कोई भी चीज़ पे बात ना करें, ठीक है, तो पहले नियम पता चल जाए कि करना क्या है, कैसे करना, ये नहीं पता मानव को, उसको बस कैसे भी करके यूज टू इट है, खाना खाया फटाफट खाया, खाना खाना मतलब, और खाना खाया और चलो काम पे चलो, आपने काम को महत्व तो दिया, और आपने जब काम को महत्व तो दिया तो वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, आगे चल के इधर लॉस होगा, है ना, वहाँ पे बाद में लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, क्यों, क्योंकि आपने भोजन को छोटा समझा है, ठीक है ना, भोजन को छोटा मत समझो, इक्वालिटी समझो, समतत्व शिवत्व, ठीक है, पेट के लिए आदमी कमाता है ना तो पेट के लिए समय दो, समझ में आ रही बात, तो इसलिए भोजन जब करते हैं तो भोजन ही होना चाहिए, ठीक है ना, भोजन की वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, इसलिए जो अन्नदाता होता है उसलिए हमको रिस्पेक्ट करना है, जिसने भोजन बनाया, ठीक है, और धरती तत्व को भी नमन करो, क्योंकि वहां से आया ना भोजन, किसान ने तो भाई बीज डाल दिया, बाकी बनाया किसने, धरती ने, तो धरती को भी नमन करना है, इन पंच तत्वों को भी नमन करना है, फिर हमको वो प्रसादम बनता है, आपने धरती की रिस्पेक्ट कर नहीं रहे और आप आज खाए जा रहे हैं, ठीक है ना, अरे आ गए भाई प्लेट में, अपन तो खाओ काम चलो, ऐसा नहीं होगा कार्यक्रम, जब तक आप कृतज्ञता नहीं रखते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तब तक कार्यक्रम बनता नहीं है, तो इसलिए करना कैसे है ये महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो घृणा ना करें, क्रोध ना करें, ठीक है, 1 मिनट में विलीन करें, स्वयं को समझने के बाद स्वयं को समझ लेते हैं तो घृणा क्रोध बंद हो जाती है, दूसरे को समझने की कोशिश करते हो तो घृणा क्रोध होगी, समझ में आ रही बात, स्वयं में स्थित रहो तो प्रसादम बनेगा, दूसरे में स्थित रहोगे तो पॉइजन बनेगा, ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।